आज की रेसिपी एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड। आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ प्रोटीन से भरपूर सोया मलाई चाप की रेसिपी। सोया मलाई चाप स्ट्रीट स्टाइल। तो सोया मलाई चाप बनाने के लिए पहले ये जो सोया चाप्स हैं इनमें से आप स्टिक को रिमूव कर दीजिए और अब इनको अबाउट 1.5 इंच to 2 इंच थिक पीसेस में हम कट कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये हमारे सोया मलाई चाप के पीसेस कट गए और अब इनको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए पहले एक मैरिनेट बना लेते हैं। मैरिनेट बनाने के लिए पहले मैं यहां ले रही हूं ये 1/4 कप थक्का दही यानी कि हंकर्ड। इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके साथ ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम और ऐड करूंगी 1 टीस्पून फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून पेपर पाउडर। मैं व्हाइट पेपर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूं, आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून नाउ दिस इज नटमेग पाउडर यानी कि जायफल को घिस लिया है और यह है जायफल का पाउडर 1 चुटकी। और ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1 टेबलस्पून एंड 1/2 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। इन सबको कर लीजिए अच्छे से मिक्स और अब इसमें अपने सोया चाप के पीसेस को मैरिनेट करके मैं रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा के लिए। इन्हें अच्छे से कोट कर दीजिए। तो आधे घंटे से हमारे सोया चाप पीसेस जो है वो मैरिनेट हो रहे थे, काफी अच्छा सा फ्लेवर इन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पैन में मैं लूंगी थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल। तो आई एम टेकिंग 1 टेबलस्पून ऑफ बटर और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल और बटर को आपस में मिलके कुक हो जाने दीजिए। ऑयल डालने से क्या होगा, ये बटर जो है वो जलेगा नहीं। और जब ये गर्म हो जाएगा तब मैं ऐड करूंगी इसमें तेज पत्ता, इसके बाद ये फाइन स्लाइस किए हुए अनियंस भी। इसी के साथ ऐड करूंगी थोड़ा सॉल्ट, ये सॉल्ट हेल्प करेगा मेरे अनियंस को जल्दी कुक होने में। अनियंस को हमें धीमी आंच पे कुक कर लेना है और इन्हें गुलाबी कर लेना है, ब्राउन होने नहीं देना है। वी जस्ट वॉन्ट कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। जब ये अनियन ट्रांसलूसेंट पिंक हो जाएगा और इसकी कच्ची स्मेल भी खत्म हो जाएगी, ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे भी आप 30 सेकेंड्स के लिए फ्रेग्रेंट कर लीजिए और अब इसमें ऐड करेंगे हमारे मैरिनेट किए हुए सोया कबाब के पीसेस। और अब इन्हें आप टॉस कर लीजिए एंड वी विल अलाउ दिस टू कुक जब तक इसमें जो रॉ जिंजर गार्लिक की स्मेल है वो खत्म नहीं हो जाती। बहुत लाइटली इसको टॉस करते जाइए, टर्न करते जाइए एंड दिस विल टेक यू अराउंड 7 to 8 मिनट्स। सोया चाप तो कुक हो गया है और अब इसे फिनिश करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी क्रीम और इसे भी टॉस कर दीजिए। और अब गैस को करते हैं हम बंद और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा इलायची पाउडर। इसी के साथ 1 टीस्पून कसूरी मेथी जिसे मैं क्रश करके मिलाऊंगी एंड इनको भी टॉस कर लेते हैं। ऐड करेंगे इसमें कुछ बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियंस, आप चाहें तो कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज डन एंड रेडी टू कम आउट ऑन माय प्लेट। सो सोया मलाई चाप रेडी टू कम आउट ऑन माय प्लेट। अगर आपको ये सोया मलाई चाप की रेसिपी पसंद आई
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल एज येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।